हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बिहार की मुख्य पकवान जो छठ में ये पूजा जाता है, ये पूरी, वो आज बनाने के लिए सिखाऊंगी। मैं जुलिसा, आज मैं छठ का मुख्य पकवान जो पूजा में चढ़ाते हैं बिहार के लोग, वो आज मैं सिखाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में ठकुआ सिखाई थी, उसी के आधार पे ये खमोनी बनाते हैं हम, और ये उससे भी मेन रहता है ये पूरी। ये पूरी के बिना पूजा नहीं होती है। ये पूरी बनती ही बनती है, गरीब रहो अमीर रहो कोई भी रहो, ये पूरियाँ बनाते ही बनाते हैं। शुरू करते हैं। मैं ये 2 कटोरे आटा ली हूँ। अगर ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं आटा। और ये 1 चम्मच मैं नारियल खीस के ली हूँ, और ये 1 चम्मच मैं सौंफ ली हूँ, सौंफ 1 चम्मच ली हूँ, और 10 किशमिश काट के ली हूँ मैं, और ये 5 बादाम ली हूँ मैं, और ये 5 काजू ली हूँ कूट के, और 4 इलायची ली हूँ मैं, और ये 4 चम्मच चीनी ली हूँ। 2 कटोरे के लिए मीठा काफ़ी हो गया 4 चम्मच। अगर आप ज़्यादा आटा बनाने चाहते हो तो ज़्यादा चीनी ले सकते हैं। कम मीठा खाते हैं तो कम चीनी लीजिए, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा लीजिए। मैं 4 चम्मच ली हूँ। तो शुरू करते हैं। इसको मैं आटा गूंद लेती हूँ। इसमें अगर आप इतनी सामग्रियाँ नहीं भी डालें तो चलता है, खाली सौंफ और इलायची डाल के आटा गूंद के बनाते हैं हम पूरी। तो शुरू करते हैं हम। ये देखिए, मैं अब आटा गूंद रही हूँ। इस तरह से टाइट करके आटा गूंद लेंगे। ये देखिए, मैं इस तरह से आटा गूंद ली हूँ। अब इसके मैं छोटी छोटी इस तरह से लोई बना लूंगी सारे। इस तरह से लोई बना के मैं इसका इस तरह से ऐसे इस तरह से इसका इस तरह से लोई बनाएंगे। ये यहाँ पे थोड़ी पतली होनी चाहिए और इधर मोटी होनी चाहिए, और इसमें थोड़े इसमें मैं घी लगा लूँगी इस पे, ताकि चिपके नहीं। आटा गूंद के इस तरह से इसको घी लगा के इस तरह से नीचे से ऐसे इसको इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से ये बना लेंगे। ये साँचे पे बना लेंगे। अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। ये देखिए, इतनी अच्छी ये डिजाइन बनी है, और इसे लोल वाली पूरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर लोल के आकार बनाते हैं, और इसका नाम है खबोनी। बिहार में इसे खबोनी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सारे पूरियां बना ली हूँ। अब इसे मैं तलती हूँ तेल में, और अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और ये मैं इसमें कढ़ाई में तेल डालूंगी। बिहार के लोग ज़्यादातर सरसों के तेल में बनाते हैं। मैं रिफाइंड तेल में तलूंगी, और तेल को पूरी तरह से गर्म होने दे। जब पूरे गर्म हो जाए तो उसमें पूरियां तल के निकाल लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मैं अब तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं अब पूरियां डाल के तलूंगी। ये देखिए दोस्तों,
जब ये पूरियां फूलने लगे तो इसे इस तरह से पलट दीजिए और लाल करके इसे बना लीजिए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से फूलने लगे हैं तो इसे हम लाल पका लेंगे। ये देखिए दोस्तों, जब मैं पूरियां पलटने के बाद धीमी लौ कर देंगे, मीडियम आंच में इसे पका लेंगे। अगर फुल लौ में पकाएंगे तो अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। ये देखिए अभी लाल हो गई है, ये देखिए, ये देखिए लाल हो गया है। तो जब ये धीमे लौ में पकाएंगे तो वो अंदर कच्ची नहीं रहेगी। तो जब ये लाल हो जाए तो इसे छानकर निकाल लेंगे इस तरह से, और ये टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि वो तेल सोख ले। वाओ, ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी पूरी बनी है। और आटा गूंदने के वक्त आप थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, और नहीं डाले तो कोई बात नहीं। और ये छठ का मुख्य पकवान है जिसे मैं खवौनी बोलते हैं, बिहार के लोग छठ में ये चढ़ाते हैं। और अगर आपको ये पूरी का वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।